अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है कि आज सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इधर आए हुए हैं मिर्च की फील्ड में, मतलब हम आपको इन्हें दो कीड़ों के, दो चिड़ियों के टैग दिखाएंगे और इसके आइडेंटिफिकेशन भी बताएंगे कि ना उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सी चिड़ी का अटैक है। तो ज़रा मुझे भी जरा जूम करके दिखाएंगे, यहाँ पे लश्करी सुंडी और अमेरिकन सुंडी जो है उसका अटैक हुआ हुआ है। जूम करके ज़रा इनको दिखाएं कि ये देखें, इसको कहते हैं हम अमेरिकन सुंडी। अगर आपको कहीं पे भी ये ब्लैक और ब्राउन और वाइट स्पॉट्स पे अगर आपको कोई सुंडी नज़र आए, इसको हम उसको कहेंगे कि हमारे पास जो है अमेरिकन सुंडी है। और अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास, अगर आप इसको कलर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपने ये नोट करना है कि अगर जहाँ पे इसने खाया हुआ है तो वहाँ पे ये गोल गोल आपको नज़र आ रहा होगा। क्या हमने इसको इस तरह मतलब गोल तरीके से इसको खाती है, और इसको ना मतलब थोड़ा खाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं देती, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लश्करी सुंडी की, स्टॉप करें, और अगर हम बात करें लश्करी सुंडी की, तो इसका साइज़ जो है वो अमेरिकन सुंडी से काफ़ी बड़ा होता है। आगे भी एक आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी इसका साइज़ तकरीबन इससे डबल है। कि इससे ये वाजे होता है कि जो लश्करी सुंडी है वो ज़्यादा खाती है, और इसका मतलब उसका कद भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको भी सेहत के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। एक जिस तरह ये है लश्करी सुंडी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया हुआ इस पत्ते को। तो इसका नुकसान, इसको जो अगर आपको इन्हें कंट्रोल करना है तो आप कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंट्रोल कर सकें। आगे आपको मुजाहिद भी बताएंगे कि हम इसको किस तरह, कौन सी मेडिसिन जो है इंसेक्टीसाइड और वीडीसाइड, मतलब आगे फंगीसाइड भी हमने इस्तेमाल करनी है, वो भी आपको दिखाएंगे कौन से फंगस के लिए हम कौन से फंगीसाइड इस्तेमाल करें, कौन से इंसेक्ट के लिए कौन से इंसेक्टीसाइड। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल के, इसके कंट्रोल के लिए क्या 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 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमने अपना कंपनी से 3-4 प्रोडक्ट मंगवाए हैं जो इसको कंट्रोल के लिए कंट्रोल करेंगे। वो हम सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर हमने प्रोडक्ट मंगवाया है, ये है सी का पेस्ट क्लियर, ये नाइट्रो पेस्टिसाइड एक कंपनी है, हमने उससे मंगवाया है। और इसके इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एमएमेक्टन बेंजोएट और लिफ्यूनुरॉन। और जिस जो हम इसके एक पर टैंक इसकी जो डोज यूज़ कर रहे हैं वो है 50 cc, 20 लीटर की टैंकी है, उसके साथ हम इसे 50 cc मिलाएंगे। और इसके अलावा हमने जो और भी प्रोडक्ट जो मंगवाए हैं वो हमारे पास जो है, ये एक थायोमेल है, थायोमेल ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक फंजीसाइड है, ये फंगस को कंट्रोल करेगी। इसके अंदर थायोफिनाइड मिथाइल जो है इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है। और इसके अलावा हम जो इसकी जो डोज यूज़ कर रहे हैं पर टैंक के हिसाब से वो 20 ग्राम है। और इसके अलावा हमने एक और प्रोडक्ट मंगाया है, ये एक लेजेक का प्रोडक्ट है, लेजेक नाम का है, ये नेट्रो पेस्टिसाइड है, ये कंपनी है। और इसके ये जो है हमारे पास ये तेले को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताता चलूँ, जो पाइमेट्रोजिन है, और इसके अलावा डेंटोफ्यूरान है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक इसके अंदर एक एकड़ के अंदर जो 6 टैंक यूज़ करेंगे, 20 लीटर का जो टैंक है वो इसके अंदर 6 टैंक यूज़ करेंगे। और मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, हमारे इसके फील्ड के एक साइड पे स्प्रे हो रही है, वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तुझे कितना चाहे और आपको मुजाहिद भाई ने बताया कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड। मैं आपको एक कोचिज बता दूँ कि कई के दिन में ये सवाल आएगा कि हम इसको कितने cc का कप होता है, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन इसके 20 cc का भी कप मिलता है, 10 cc का भी कप मिलता है। और अगर आपने देखना, आपने सबसे पहले जो इसके लिए इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड आप कोशिश कर रहे हैं कि ना अप्लाई करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको जो इस वक्त जो चीज़ जो है हमारी इस वक्त फ्लावरिंग स्टेज पे, अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा ओवरडोज स्प्रे करेंगे तो वो भी नुकसान करेगी, और अगर हम उसको स्प्रे जो है हम कम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी नुकसान देगी। तो बेहतर यही है कि आपने सबसे पहले क्या कहें, पेस्ट स्काउटिंग करनी है। एक एकड़ पर आपने 5 से 6 जगह पर आपने देखना है कि यहाँ पे लश्करी सुंडी या कोई इंसेक्ट या कोई भी कीड़ा या कोई भी फंगस जो है अगर उसका अटैक हो रहा है, अगर उसका जो 50% से ज़्यादा आपको निकल रहा है कि अगर इसके अंदर 50% ज़्यादा उसका अटैक हो रहा है, तो आपने तब इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड इस्तेमाल करनी है।
और आजकल फार्मर का ये इशू आता है कि हम इस तरह की इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, और उसके बहुत सारे असर हो सकते हैं कि कुछ फार्मर जो हैं वो अपने दवाई अच्छी ले आते हैं, खर्चा करके ले आते हैं 10-10, 12-12 हज़ार की, 15-15 हज़ार की दवाइयाँ जो हैं वो ले आते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका इस्तेमाल जो है वो सही नहीं कर पाते, ना उसकी वो मिक्सिंग सही कर पाते हैं। अब जिस तरह का हमने 20 लीटर की टैंकी इस्तेमाल करनी है, हम आपको हमारे जो मतलब तजर्बाकार जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं हम उससे भी पूछवाएंगे कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और हाँ, आपको एक मज़े की चीज़ बतानी थी कि ना दरमियान में जो है लश्करी सुंडी और आर्मी बम का जो अटैक है ना, आर्मी बम और अमेरिकन सुंडी का जो अटैक है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दरख्त बहुत कम है, वहाँ पर दरख्तों से ये फासला बहुत दूर है। जहाँ पे मुझे ज़रा इनको ज़रा बाउंड्री दिखाएं, यहाँ पे तकरीबन अच्छी खासी मतलब दरख्तों का जो है, यहाँ पे जब जाले वगैरह बनते हैं तो जब मक्खियाँ जो हैं वो आगे रस चूसने के लिए आती हैं तो यहाँ पे जो सुंडियाँ वगैरह उनका अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा चांस जो है इसका इंसेक्टीसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल मतलब इफेक्ट ना करने का, वो ये है कि ना यहाँ पे मतलब हम या तो टेम्परेचर की चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है, हम तब इस्तेमाल नहीं कर पाते सही, या हम ओवर इरिगेशन कर देते हैं, या हम जो वीड्स जो हमारे पास वीड जड़ी बूटियाँ होती हैं हम उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने सबसे पहले इन चीज़ों को मेंटेन करना है, उसके बाद आपने पेस्ट स्काउटिंग करनी है। पेस्ट स्काउटिंग का मतलब ये कि आपने 50% से ज़्यादा देखना है कि अगर फील्ड के ऊपर अटैक है तो आपने अप्लाई करना है, और कोशिश करना है कि कम से कम आप इंसेक्टीसाइड फंगीसाइड से जितना गुरेज कर सके उतना करें।